यू ऑनरेबल स्पीकर। स्पीकर साहब, मैं तो पहले शहबान के मुअज्जिज़ मेंबरान, चाहे वो हुकूमत के हुकूमत बेंचेज है चाहे अपोजिशन बेंचेज है, आप भी सामने बैठे हैं, मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। मेरा नाम बिलावल आफरीदी है और मैं डीके 106 से मुंतखब सूबाई असम्बली का मेम्बर हूँ। मेरे साथ जो है यहाँ पे मेरे 20 और कोलीग्स है, 20 एक्स फाटा से, और शायद मेरे ख्याल यहाँ तो गवर्नमेंट को जो है ये मेरे ख्याल इनके नॉलेज में नहीं है कि फाटा जो है वो जम हो चुका है और अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुका है। और यहाँ पे जो है हम 21 मेंबर हैं, तो अगर हम यहाँ पे कोई जज्बाती बात करें तो आप इसको माइंड नहीं किया करें, इसको आप जो है ये आप इसको इसलिए माइंड नहीं किया करें क्योंकि फ्रॉम लास्ट 73 ईयर्स फाटा जो है फाटा एक्स फाटा को जो है वो राइट से मिले थे जो हमारे हक है इस मुल्क के साथ, क्योंकि इस मुल्क के लिए NMB के लोगों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। तो मैं सिर्फ कुछ याद दिलाना चाह रहा था कि हमारे मसले जो है ना तो एक है, ना तो दो है, ना तो तीन है, हमारे मसले बहुत ज़्यादा है। और अगर देखा जाए स्पीकर साहब, तो हम बार बार यहाँ पे जो है मेरे ऑनरेबल NMD के जो ऑनरेबल मेंबर हैं वो यहाँ पे जो है हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली प्लीज़ हमारे मसले हल किए जाएँ। जाहिर सी बात है ये मसले तो हुकूमत शायद जो है कोशिश कर रही है, लेकिन हो सकता है और बाकी कोई इशूज़ होंगे तो इस वजह से जो है वो मसले हमारे हल नहीं होंगे। मेरी गुजारिश ये है स्पीकर साहब, ये सारे मसले तभी हल हो सकते हैं जब आप जो है हमें कोई रास्ता बताएं। हमारा रास्ता क्या है, हमारा मुस्तकबिल क्या है। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि मैं बार बार यहाँ पे असेंबली फ्लोर पर होकर आपसे कहता हूँ कि काइंडली प्लीज़ NMD के लिए एक सेपरेट कमेटी बनानी चाहिए जिसमें 21 ऑनरेबल मेंबर्स NMD के होने चाहिए। इनमें से एक जो है हम एक रुकन को जो है हम लीडिंग पर्सन बना लेंगे और उस कमेटी को चलाएंगे ताकि हमारे जो मसले बार बार यहाँ पे जो है उठ के हमारे ऑनरेबल मेंबर्स जो है बात कर रहे हैं एक इशू पे, वही सेम इशूज है हमारे, इशूज कोई मुख्तलिफ नहीं है, हर रोज ये सेम इशू डिस्कस हो रहे हैं। तो अगर ये मसले आप लोग हल नहीं करेंगे तो हम किस से रिक्वेस्ट करेंगे? ये मान है ऑनरेबल स्पीकर साहब आप भी बैठे हुए हैं यहाँ हुकूमत के, ऑनरेबल जो मिनिस्टर साहब हमारे कंसर्न, बाकी जो हुकूमत के जो यहाँ पे ऑनरेबल मेंबर्स हैं सब बैठे हुए हैं, हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली प्लीज खुदारा फाटा के साथ आप लोग एक्स फाटा के साथ आप खुदारा आप सिंसियर हो जाए, क्योंकि वहाँ पे अब इलेक्शन जो है 2 साल बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। हम इस उम्मीद से आए थे इस सूबे में कि हम अपने इलाके और आवाम के लिए कुछ कर सकें, लेकिन अभी तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। हमारी गुजारिश है हुकूमत से कि हम इनके साथ बैठे हैं और हमें समझाया जाए कि आने वाला मुस्तकबिल आप लोग हमें क्या दे रहे हैं, क्योंकि हम तो आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं, लेकिन हमें कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आई। तो ये गुजारिश थी। अदर देन दैट मैं इस बात में आना चाहता हूँ कि ये एक्सपर्टो और पुलिसान के हवाले से जो बात की है मेरे भाई ने मोदी साहब ने, तो बड़ी अच्छी बात है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है कि जो है अपोजिशन बेंचेज जो है वो बार बार रोज जो है एक्सपर्टा पे जो है वो बात करते हैं, तो मेरे लिए ये बड़ी इजाज़ की बात है। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बात रही है स्पीकर साहब के जो सीट हमारे कम हुए हैं और ये क्या कहते हैं 265 से जो है 29 कर दिए गए हैं, जाहिर सी बात है ये सारे मसले स्पीकर साहब ऐसे ही हल होंगे अगर आप हमारे साथ टेबल टॉक करें। ये मसले आज तो हम यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रही हमारी आवाज़ कोई सुन भी रहा है कि नहीं। स्पीकर साहब आज मैं भी इस पर बात करूँ, आवाज़ वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ये मैं इंश्योर कराना चाहता हूँ स्पीकर साहब। अगर ये सिचुएशन गवर्नमेंट की रहेगी तो फाटा की आवाम एक्स फाटा की आवाम जो है उनको अगर नज़रअंदाज किया जाएगा तो ये जो है आने वाले मुस्तकबिल में ये इसको जो है बहुत देंगे, तो इनकी मेहरबानी होगी कि वो जो है हमारे साथ सिंसियर हो जाए। और हम इनसे गुजारिश करना चाहते हैं
कि जल्द से जल्द जो है जिनके साथ स्पेशली आपको कमेटी बनाई जाए, जिसमें हमारे पुलिस रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स, हेल्थ रिफॉर्म्स, बाकी डीआरसी का जो सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट कराना, एक्सटेंड कराना है पाटा में, एक्सपाटा में। इसी तरह हमारे बहुत सारे और इश्यूज हैं। आज अभी तक एक कॉलेज नहीं बना वहाँ पे। अब जब हम आपसे ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि एजुकेशन रिफॉर्म में आप लोगों ने क्या किया, कुछ हमें पता नहीं है। पुलिस रिफॉर्म में आप लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं पता हमें। हेल्थ रिफॉर्म में आप लोगों ने क्या किया हमारे साथ, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना पाटा में। तो हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि स्पीकर साहब इसको सिंसियरली लिया जाए, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। स्पीकर साहब की कमेटी जो है आपको बनानी पड़ेगी। स्पीकर साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं 21 ऑनरेबल मेंबर्स के दस्तखत जो है वो मैं लेके आ जाऊंगा आपके पास, मेहरबानी करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे मसले हल हो जाए। स्पीकर साहब, हमारे मसले हल करने होंगे स्पीकर साहब, वरना हमारे पास बहुत सारे रास्ते। स्पीकर साहब, हमें मजबूर ना किया जाए स्पीकर साहब कि हम वो रास्ते अख्तियार करें। स्पीकर साहब, आप लोगों की मेहरबानी होगी। थैंक यू जी।